पहले सेंटर वहां को आता माचो आ रे सुर कर देगा है ताली वाला एक बार फिर से आपका बाहर की तरफ रेफरी का निर्णय अंतिम निर्णय नौ अशोक मिस्त्री जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो अच्छा शॉट दहाड़ के ये शॉट मारा था एक बार फिर से हुंकार भरी है ओंकार ने क्रॉस शॉट मारा और अंक अर्जित किया 10-7 अच्छा शॉट लीव किया टक किया जैसे कि क्रिकेट में अच्छा डिफेंस बिल्कुल तैयार थे इस चीज के लिए बॉल थर्ड लाइन खिलाया इन्होंने एक बार फिर से ओंकार के पास गेंद और दूसरी दफा इन्होंने अपनी टीम को अंक अर्जित करके दिया 11-8 एक बार फिर से बड़ी गली बड़ी हुआ है बढ़िया तो होने इन थोड़ी जाते लल्लू बंदे डिजर्विंग था और वो देख पाए कुछ डिफेंस है यार भाई इससे तगड़ा तो तू भी मारे दस अवे जरूर है लेकिन चक्कर ना जी देख रुक दो मिनट रहा देखो ठीक है रुकाया आई ले यार चाबिया चाबी चतुराई भरा 11-12 अच्छी सर्विस तेज तरार सर्विस फ्लैग शॉट मारा आउट है बिना चेक के अब लाइव है ठीक है इस मैच खत्म होने के बाद सारी वीडियो लेनी आपने मैं अपने चैनल पर लाइव खिलाया वो लाइव चल रहा है मार लो ना पहले दो क्रिएटिव अमित बॉलीवॉल क्रिएटिव अमित बॉलीवॉल ना एक बार फिर सर्विस के साथ और ओंकार ने गेंद को पार किया एक बार फिर से बॉल बना एक बार फिर से सर्विस के साथ 8 नंबर की गस्ती में अच्छा रिसीव बॉल बना और प्रहार जबरदस्त अपील स्कोर आपको बता दे पहला सेट दूसरे सेमीफाइनल का 14-14 एक बार फिर सर्विस के साथ अच्छी सर्विस और प्रहार भी अच्छा लेकिन रिबाउंड नहीं उठाया उन्होंने और अंक गवाया और खालसा क्लब चंडीगढ़ एकदम की लीड के साथ 15-14 से बढ़त बनाई हुई सीधा ही फ्लैग बिल्कुल जिस तरफ से आया उसी तरफ को भेज दिया इन्होंने गेंद को दर्शक जो बिल्कुल नेट के साथ बैठे हैं अच्छा फ्लैग प्रहार जबरदस्त कवर अच्छा किया योगेश ने राहुल के पास किया लगातार गोले दाग रही है भारतीय सेना और अच्छा कवर योगेश के द्वारा ये भी बहुत अच्छी रैली और इस बार चूके 10 नंबर की जर्सी में सिंह ने अपनी दहाड़ दिखेला एक बार फिर से बॉल बना है अच्छा राहुल का कवर बाजू स्ट्रेच करी बॉल एक बार फिर मांगा है ओंकार के पास बॉल और इस खिलाड़ी ने अभी तक जो कन्वर्जन रेट है वो 100% अच्छी तकनीक अच्छा चेक आउट
करके दिया अपनी टीम को 16-18। पहला सेट अपने अंतिम पड़ाव में चतुराई दिखानी चाहिए योगेश जी ने 3 नंबर की जर्सी में, लेकिन 17-19 सकारात्मक परिणाम नहीं मिले उन्हें। ऐसे अंक गंवाना, स्कोर हो गया है 1 अंक लेने के बाद वो 19-21 वाला अंतर आ जाएगा। ड्रॉप दिया लेकिन बिल्कुल सजाग, और राहुल जी चढ़े इस बार तट के ऊपर और अंक अर्जित किया, और 22-18 19-22 19-22 और देखिए इस खिलाड़ी का जवाब नहीं, इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट यहां पर भी है। तो 20-22 माफी चाहेंगे आपसे, अच्छा शॉट इसी बीच चाय भी आ गई है इस गर्मी के माहौल में, आप चाय का भी आनंद ले सकते हैं इस सेट से। 23-21-23 चाय आ गई है तो कृपया सभी चाय पी लें। 8 नंबर की जर्सी में सर्विस के साथ और बॉल बना है ओमकार के पास, बॉल जोरदार प्रहार, एक बार फिर से बहुत अच्छा डिफेंस, प्रहार बहुत अच्छा, कवर कवर नहीं कर पाए और अंक हो गए हैं बराबर। अच्छी सर्विस और शॉट भी उतना ही अच्छा, लेकिन ब्लॉक भी अच्छा ओमकार के पास, बॉल और आउट, तो स्कोर हो गया है 7-23 अच्छा शॉट और अंक हो गए हैं बराबर। आप देख सकते हैं पहला सेमीफाइनल और अब जो भी टीम लगातार 2 पॉइंट लेगी वो जीतेगी, रोमांच अपने चरम पे है और धरती पे अटखेलिया करते हुए आगे जरूर आए, लेकिन ड्यूस अभी दोबारा वही सिचुएशन है कि जो भी टीम लगातार 2 अंक लेगी वो जीतेगी। एक बार फिर से 1 अंक तो इन्होंने खुद दे दिया है इनको, अब देखना है अपने वाला ये 1 अंक ले पाएंगे या नहीं। सेट पॉइंट 1 दोबारा ड्यूस जी क्या ले वा? क्या ले गया वा? अंक हो गए आपको बताते
26 ऑल, 26 बराबर। और जाते जाते भी गाड़ियां जरूर मार रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब हो गए खालसा कप चंडीगढ़ 27। खालसा कप चंडीगढ़ से पॉइंट आखिरी प्रहार। इस प्रहार का जवाब नहीं था। और एक बार फिर से 27 बराबर, बराबर। और जो भी टीम एक बार बहुत अच्छा शॉट कवर, अच्छा बॉल बना, 12